मैं धरने में नहीं बैठा हूं, यहां पर पुलिस ने मुझे घसीट करके यहां बैठा दिया है। आज जिले में प्रभारी मंत्री जी आए हुए हैं, उनका निर्धारित कार्यक्रम मुझे मिला था। मैं निर्धारित कार्यक्रम में समय से पहले तैयार होकर के खड़ा था। जानकारी मिली कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम परिवर्तित हो गया। मैंने कलेक्टर साहब को फोन लगाया, कलेक्टर साहब ने फोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब को लगाया तो एसडीएम साहब बोले कि भाई अमरपुर रोड का भूमि पूजन हो चुका है, मॉडल कॉलेज के से निकल रहे हैं, आप अवंती बाई चौक में पहुंच जाओ। मैं अवंती बाई चौक में पहुंच गया, आधा घंटा वहां खड़ा रहा। माननीय मंत्री जी, मैं पूछा भाई कहाँ है, आधा घंटा में माननीय मंत्री जी आ जाए, तो ये बताया कि नहीं अभी यहाँ पर है। तो मुझे लगा कि भाई मंत्री जी को ढूंढना पड़ेगा, तो मैं मंत्री जी को ढूंढने के लिए आया कि भाई आप कहाँ कहाँ जाके भूमि पूजन कर रहे हो मेरे क्षेत्र में, मुझे भी तो बात जानकारी होना चाहिए। जैसे ही मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया तो मंत्री जी का काफिला आ रहा था, तो मैं रुका कि मंत्री जी से मिल लूं, तो पुलिस उठा करके मुझे फेंक दिया। मंत्री जी से मुझे मिलने नहीं दिया, पुलिस उठा करके फेंक दिया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप कलेक्ट्रेट में आकर के मिले, कलेक्ट्रेट में मैं कलेक्टर साहब से मिलने जाऊंगा, मंत्री जी अगर है यहाँ पर तो मेरे क्षेत्र में वो मुझे बताए। और जिस मॉडल कॉलेज की भूमि पूजन करने आए हैं, जरा तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ध्रुवे जी से पूछे, आप सबको पता है कि वो शेखपुरा के लिए ताकत लगाए हुए थे। माननीय शिवराज सिंह जी भी शेखपुरा के लिए कह रहे थे और उन्होंने लिखा था कि डिंडोरी जिले का केंद्र शेखपुरा है। जरा आप बताएं कि डिंडोरी से 65 किलोमीटर करंजिया है, 50 किलोमीटर शेखपुरा है। ये पूरी तरह से इस तरह से हरकत कर रहे हैं ये प्रशासन के लोग।